हाँ तो भाइयों, कबूतर दौड़ता है आसमान में, मगर रहता कहाँ? वो उड़े तो फिर आके दरबे में बढ़ जावे और कहाँ रहेगा? हट तेरी ऐसे जी, मगर रहता है पानी में। मगरमच्छ कबूतर आसमान में, मगरमच्छ पानी में। सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। हम तो यार वही समझ पड़े, हमें वही तो कह रहा था मैं। हमने तो तमाम किस्म और दिमाग उसकी लगा दिया, कबूतर ले आसमान में, मगर रहता दरबे में, अब तुमने मगरमच्छ पे ले गए। ओहो हाँ तो भाइयों, हाँ एक सॉरी शब्द ऐसा है कि बड़ा मजेदार शब्द, तो सभी बढ़िया मजेदार, इसमें सॉरी की कौन सी बात? अभी किसी में झगड़ा हो रहा है, सॉरी कह दो, झगड़ा खत्म। ओ सही कही तुमने। अब रहा दूसरा सवाल, डॉक्टर सॉरी कहेगा, मरीज खत्म। मरीज खत्म, तो सॉरी ऐसा। ये खेती कुछ ना लेती, हमेशा फिर भी कुछ ना कुछ किसी को देती। बहुत बढ़िया, बेशक। हाँ तो एक छोटा सा जुमला याद आ गया। अच्छा बताओ, तो उसे पेश करो। पेश ये है कि 50,000 रुपए कमाने वाला अधिकारी, बड़े आदमी, 300 रुपए कमाने वाले से रिश्वत लेता, आखिर ऐसा क्यों? अरे सही कह रहे हो, तो कमजोर पर तो जो ना कमजोर, हाँ छोटा कट्टा हो, गाड़ी उधर भी कर दे, उधर भी कर दे, तो आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि मोमबत्ती को 1,00,000 कमाने वाला अधिकारी 500 रुपए कमाने वाले से रिश्वत मांगता। तू मांगने वाला, मैं देने वाला, एक गरीब देने वाला, एक अमीर मांगने वाला, बड़ी बात से भी बड़ी बात, यहाँ से उल्टी हो गई। हाँ भैया कैसे बैठे हो, सिर पकड़े? सिर पकड़े क्या, वही गम, और सिर तो जो वो लोग भी पकड़ लेते हैं जिनके बड़े बड़े सिर होते हैं, तो सिमलते नहीं है, जान के हमारे हाथ लगा लेते हैं, मगर मेरा सिर तो इतना बड़ा भी नहीं है, बस वो गमों के मारे, टेंशनों के मारे ये पकड़ लिया सिर, इस मारे। और ये रो क्यों रहे हो? रो इस मारे का हूं, किस्मत। अरे बगैर रो तो प्याज भी नहीं कटती है बेटे। ओहो तुम तो किस्मत की बात कर रहे हो। सही कह दिया, आज के बाद रोना फोना फन आया। ये मंदिर और दरगाह क्या अजब चीज है, बहुत बढ़िया, जिसमें अमीर अंदर और गरीब बाहर भीख मांगते हैं। बहुत बढ़िया, भीख दो नहीं मांगते, बस फर्क इतना है कि एक अंदर मांग रहा है, एक बाहर मांग रहा है। अमीर अंदर मांग रहा है दुबक्के जो कोई देखे ना, गरीब बेचारा गरीब बाहर मांग रहा है। तालियां, उल्टे हाथ से तालियां बजेंगी। हमने कहा एक ना अपनी बीवी से के डार्लिंग चाय पी लो, बोली कि ना मैं काली हो जाऊंगी। बहुत बढ़िया, फिर मैंने डंडा उठाया, मैंने कहा 40 साल में तो लाल हुई ना, मेरा खून पी के 40 साल से मेरा खून पी रही है, लाल तो हुई ना, काली कब चाय में हो जाएगी। सही बात, बहुत बड़ी बात।